सूचना हो चुकी है मेरे साहब को, मैं तो आएंगे मुझे बता देना। वीरभद्र मार्ग गली नंबर 3 गौरी शंकर मंदिर में मध्य रात्रि में कुछ अराजक तत्वों ने यहाँ पर जो सिद्धपीठ मंदिर है उसकी मूर्तियों को खंडित कर दिया। और पूर्व में भी इस तरह की बात आते हैं, कई बार हो चुकी हैं, मंदिर से कई बार चोरी हो चुकी हैं, दान पात्र चोरी हो चुके हैं। तो इसके निमित्त आज यहाँ पर सभी हमारे स्वयं सेवक जब अपनी शाखा से यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने 6 बजे देखा कि यहाँ पर मूर्तियाँ खंडित हो रखी हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दी, स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आके इस चीज़ की जानकारी सभी को दी। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि यहाँ पर पुलिस को अपनी गश्त लगातार निरंतर बढ़ानी चाहिए, क्योंकि पूर्व में भी इस प्रकार की घटनाएँ कई बार घटित हो चुकी हैं। उन अराजक तत्वों को या तो कोई नशे के लत में इस तरह की हरकतें कर रहा है या कोई धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए ऐसे काम कर रहा है। दोनों चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि पुलिस प्रशासन पूरी सक्रियता के साथ में और पूरी मुस्तैदी के साथ में रात्रि गश्त को यहाँ पे बढ़ाए। इस प्रकार से कि नशे का कारोबार, नशे में जिस प्रकार युवा लगातार ग्रस्त हो रहे हैं और ऐसी चीज़ों को अंजाम दे रहे हैं, ऐसी घटनाएँ लगातार शहर में हो रही है, तो उसके लिए जहाँ हमारी स्थानीय जनता बड़ी जागरूक है, समय समय पे ऐसी गतिविधियों को स्वयं भी अपनी ओर से रोकने का प्रयास करते हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन को आम जनता हमारे जनप्रतिनिधि जो यहाँ पर हमारे पार्षद हैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पुलिस प्रशासन को गश्त अपनी तेज करनी पड़ेगी। और मैं यही निवेदन करना चाहूँगी कि ऐसे अराजक तत्वों को जो इस तरह की धार्मिक भावनाओं को आहत पहुँचाने का काम करते हैं, माहौल बिगाड़ने का काम करते हैं, ऋषिकेश जैसी शांत प्रिय जगह पर जो ऐसे मंसूबे पाले बैठे हुए हैं उनके मंसूबों को कतई भी हम कामयाब नहीं होने देंगे। और एक बार ऐसी सख्त कठोर कार्रवाई उन पर होगी ताकि अन्य लोग जिनके मनों में ये विचार भी आता है उनकी भी ऐसे काम करने के लिए रोक आ सके।